साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे एक बैंक कर्मचारी की मृत्यु के बाद बैंक वालों ने किस तरह से भेदभाव की नीति अपनाई और भविष्य निधि ग्रेच्युटी सामूहिक बीमा अवकाश नकदीकरण को आय मान लिया और कहा कि इससे आगे हम जो है और आश्रितों को लाभ नहीं दे सकते हैं, ये पर्याप्त है। तो इस पे उन्होंने माननीय न्यायालय का जो दरवाजा खटखटाया, तो माननीय न्यायालय का क्या कोर्ट्स है उसको हम देखते हैं। ये मैटर है धीरज कुमार दीक्षित वर्सेज ऑफ जनरल मैनेजर यूको बैंक कलकत्ता। ठीक है साथियों, इसमें देखिए यूको बैंक में कार्यरत कर्मचारी के पुत्र ने जब बैंक में मृतक आश्रित के रूप में, यानी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उन्होंने बैंक में मृतक आश्रित के रूप में सेवा आयोजन के लिए आवेदन किया तो बैंक प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया। बैंक ने क्या कहा? बैंक का कथन था कि भविष्य निधि ग्रेच्युटी सामूहिक बीमा से जो धनराशि आश्रित को मिली है उसकी आय उसके मिलने वाले वेतन से भी अधिक है, न्यायालय का कथन था। अब उन्होंने ये कह रहे हैं, बैंक कह रहा है कि जो ग्रेच्युटी भविष्य निधि सामूहिक बीमा अवकाश का नगदीकरण के उपरांत जो पैसे दिए गए हैं आश्रितों को, उसकी जो आय है वो इनसे जो इनको नौकरी मिलेगी उससे मिलने वाले वेतन से भी अधिक है, इसलिए इनको हम आश्रित की नौकरी नहीं देंगे। यानी अपने से नियम बना दिया बैंक वालों ने। इस पे उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने क्या क्या कहा? इन धनराशियों को मासिक आय नहीं माना जा सकता है, बैंक पुनः विचार करे, उन्हें नियुक्ति दे। ठीक है, तो इसका इंग्लिश आप देखें फिर मैं आपको हिंदी बताता हूँ। रिटायर्ड बेनिफिट्स ऑफ लाइफ प्रोविडेंट फंड ग्रेच्युटी ग्रुप्स इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपल्सरी इंश्योरेंस लीव इंकेसमेंट ईटीसी वर आल्सो कंसिडर्ड बाय द बैंक फॉर डिटरमाइनिंग द फैमिली इनकम ऑफ द डिसीज्ड। नन ऑफ दीज आर इनकम आइदर अंडर स्टेट्यूटरी प्रोविजंस और इन जनरल लॉ ऑर्डर क्वेस्ट डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट्स टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रांट कंपेंसेट अमाउंट। अब मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद बताता हूँ। इसका हिंदी अनुवाद आप जान लें कि मृतक की पारिवारिक आय निर्धारित करने के लिए, यहाँ से हिंदी देखें, मृतक की पारिवारिक आय निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा भविष्य निधि ग्रेच्युटी समूह बीमा जीवन बीमा पॉलिसी अनिवार्य बीमा अवकाश भुगतान आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों पर भी विचार किया गया। इनमें से कोई भी वैधानिक प्रावधानों के तहत या सामान्य तौर पर रद्द किए गए कानून के आदेश के तहत आय नहीं है। प्रतिवादियों को अभ्यावेदन पर यानी अप्लीकेशन पर फिर से विचार करके उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया। ठीक है साथियों, यदि वो बैंक के भरोसे रह जाते तो उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए और आप जो है अगर विभाग से आपको उदासीनता दिख रही है, विभाग आपका सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप न्यायालय की शरण में जाएं। वहां पे आपको साल नहीं लगते हैं निर्णय पाने में, कुछ महीने में आपके पक्ष में निर्णय आ जाएं, क्योंकि जो निर्णय आते हैं वह पहले के मामलों को आपके मामले से टैली करा करके आपके वकील वो संबंधित जज के सामने पेश करते हैं। जज महोदय उसको वेरीफाई करते हैं, उसके उपरांत तो वो निर्णय दे देते हैं कि हाँ ये जो पहले का मामला था उस मामले से ये जो प्रेजेंट का मामला है आपका ये मैच कर रहा है और उसी आधार पे निर्णय तुरंत मिल जाता है, यानी कुछ सुनवाइयों के उपरांत निर्णय आ जाते हैं। इसलिए आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे जरूर जाइए, वहां पे आपके पक्ष में न्याय मिलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, विभाग के भरोसे रहेंगे तो विभाग भी बहुत ही बेपरवाह है और वो आपके पक्ष में निर्णय बहुत कम संभावना होती है कि वो निर्णय आपके पक्ष में दे। ठीक है साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार साथियों।